लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गाइस टॉर्च बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका टॉर्च का बॉडी फ्रेम बनाएंगे। तो गाइस टॉर्च का बॉडी फ्रेम बनाने के लिए गाइस यहाँ पे एक हम पाइप का यूज कर रहे हैं, जो कि गाइस ये मेटल का पाइप है, और गाइस जो ये है लेजर लाइट का पाइप है, जो कि गाइस इसका जो बॉडी है गाइस सेम साइज का है, गाइस इतना ही हमें साइज का चाहिए जो कि बॉडी फ्रेम बनाने वाला है इसका। तो गाइस इसके अंदर यहाँ पे गाइस एक यहाँ पे जो शीशा है वो भी लगा है, तो गाइस इसमें हमें बाहर से शीशा भी लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस आपके पास ये चीज़ ना हो तो गाइस आप पाइप का यूज़ कर सकते हैं, जो ट्राईपोड का आता है वो भी, या अगर पर्दा वाला पाइप आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पीवीसी पाइप का। तो गाइस हम इसी का यूज़ करेंगे, और गाइस आगे साइड में गाइस ग्लास तो लग चुका है, तो गाइस क्या करेंगे कि इसके साथ गाइस इसका अंदर का हम मैकेनिज्म जो इसका है वो बनाएंगे। तो गाइस इसके साथ ले लेंगे हम बैटरी, जो कि लिथियम आयन बैटरी है, और गाइस ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन गाइस इस पर कोई सा भी मार्किंग नहीं है, तो गाइस हम इसका आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो गाइस इसके साथ हम मल्टीमीटर ले लेंगे और इसको 20 वोल्ट पे सेट कर देंगे, और गाइस जो बैटरी है उसको चेक कर लेते हैं। तो गाइस ये रहा इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, तो गाइस मल्टीमीटर का पॉजिटिव पॉजिटिव में लगाते हैं और नेगेटिव का नेगेटिव में। तो गाइस हमने लगा दिए हैं, और गाइस देख सकते हैं गाइस 3.98 वोल्ट चार्ज है 4 वोल्ट के आसपास। तो गाइस ये 3 वोल्ट की बैटरी है, तो गाइस ये ओवरलोड चार्ज होती है, तो इतना ही होता है। तो गाइस बैटरी हमारी फुली चार्ज है, तो गाइस अच्छे से जो लाइट है वो जलेगा। गाइस इसके साथ हम वायर ले लेंगे, जो कि गाइस हम छोटा छोटा वायर लिया है, और गाइस काफ़ी पतला वायर है, जैसे गाइस जो डाटा केबल आता है हमारा फ़ोन का, गाइस उसी में का ये वायर है। तो गाइस इसमें पतला ही वायर आपको यूज करना है, नहीं तो गाइस जो बॉडी फ्रेम है उसमें हमारा जो ये वायर है अटकने लगेगा। तो गाइस इसके साथ क्या करेंगे, हम इसका सोल्डिंग कर देंगे, तो गाइस नेगेटिव को नेगेटिव में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ लेते हैं हम। गाइस हमने दोनों टर्मिनल पे वायर को जोड़ दिया है। गाइस इसके साथ हम ले लेंगे बैटरी का होल्डर, जो कि गाइस इसी में लगा हुआ था, तो गाइस हम इसका यूज करेंगे, और गाइस क्या करेंगे जो बैटरी है ये इसमें अच्छे तरीके से लग जाएगी आगे साइड में यहाँ पे। तो गाइस जो इसका जो बैटरी है इसको इसमें हम डाल लेते हैं इस तरीके से, तो गाइस इसमें लग चुकी है परफेक्ट तरीके से। गाइस इसके साथ हम ले लेंगे चार्जिंग मॉड्यूल, जो कि गाइस इसमें एक स्विच भी दिया है, जो कि गाइस ऑन ऑफ होगा यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से, और गाइस इसमें जैक भी है, तो गाइस यहाँ से चार्ज हो जाएगा, और गाइस कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आईसी है, और गाइस यहाँ पे जो इसका 3 टर्मिनल है यहाँ पे B+ और B- यहाँ पे, और गाइस स्पीड में है, और गाइस एक मिड में, जिससे गाइस यहाँ से आप पॉजिटिव का पावर ले सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं, और गाइस इधर साइड में भी एक यहाँ पे आईसी दी हुई है। तो गाइस ये आपको काफ़ी आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। गाइस के साथ हम ले लेंगे टॉर्च की LED, जो गाइस ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप की दुकान पे मिल जाएगी, गाइस या फिर जो टॉर्च का एक और बड़ी सी LED आती है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस हम इसी का यूज करेंगे, और गाइस में टर्मिनल दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो गाइस इसके साथ हम इसका कनेक्शन कर देंगे। तो गाइस कनेक्शन करने से पहले गाइस जो ये इसका होल्डर है, गाइस इसके साथ ऊपर में हम इसको चिपका देंगे, तो गाइस इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो गाइस इसको हमने अच्छे तरीके से इसमें लगा दिया है। गाइस के साथ जो बैटरी का कनेक्शन है, गाइस इसको हम यहाँ पे जो LED का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, गाइस उसको हम इस तरीके से जोड़ देंगे यहाँ पे। गाइस इसको हमने जोड़ दिया है LED की पॉजिटिव पे। इसके साथ हम ले लेंगे 2 पीस वायर, और गाइस इसको हमने बड़ा साइज में कटिंग किया है, और गाइस दोनों साइज छील के, और गाइस कोटिंग कर दिया है, और गाइस जो ये जैक है इसमें हम चार्जिंग मॉड्यूल में इसको कनेक्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे एक नेगेटिव दिया है और एक पॉजिटिव, तो गाइस यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। गाइस को हमने वायर को दोनों वायर को अच्छे तरीके से जोड़ दिया है, पॉजिटिव पे और गाइस एक नेगेटिव पे। तो गाइस इसके साथ हम क्या करेंगे कि गाइस इसको हमें यहाँ पे सेट करना होगा इस तरीके से। तो गाइस जो बैटरी का नेगेटिव है उसको जो IC है उसके पास में नेगेटिव में जोड़ देंगे यहाँ पे इस तरीके से। गाइस बैटरी के जो नेगेटिव वायर है उसको यहाँ पे IC के पास में हमने जोड़ दिया है नेगेटिव पे। गाइस के साथ जो जैक में से पॉजिटिव वायर निकला है उसको जो LED है उसके पॉजिटिव पे जोड़ देंगे। गाइस आप इस वायर को यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे हमारा कनेक्शन का ऑप्शन था, तो गाइस वहाँ पे हमने जोड़ दिया है इसको, और गाइस ये अच्छे तरीके से जुड़ चुका है। गाइस के साथ जो सर्किट में से नेगेटिव वायर निकला है, गाइस इसको LED के हम नेगेटिव पे जोड़ देंगे। गाइस इस वायर को आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो दोनों है पॉइंट वो नेगेटिव के ही है, तो गाइस यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं इसको।
गैस के साथ हम ले लेंगे जो चार्जिंग मॉड्यूल है गैस का कवर है ये इसके जो बॉक्स है इसके पीछे बैक साइड में लगा था जो जो लेजर लाइट है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो गैस इसमें जो है ये एक चार्जिंग का ऑप्शन है और गैस एक पावर बटन का जो कि गैस इसमें काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो जाएगा जो गैस ये चार्जिंग मॉड्यूल है। तो गैस इसको हम इस तरीके से पकड़ के और गैस इसको हम इसमें लगा देंगे। तो गैस आपके पास ये कवर ना हो तो गैस आप डायरेक्ट इसको पीवीसी पाइप के राउंड से सर्कल कटिंग करके और उसमें ग्रुप कटिंग करके इस तरीके से और गैस आप उसको डायरेक्ट भी सेट कर सकते हैं। तो गैस ये इसमें काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। गैस के साथ हम ले लेंगे एलईडी का कवर जो गैस ये फोकस देगा इससे। तो गैस ये यहाँ पे इस तरीके से आगे साइड में लग जाएगा। तो गैस जो ये कवर है इसको क्या करेंगे कि हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे तो गैस ये परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। तो गैस इस तरीके से बैठ चुका है। गैस के साथ क्या करेंगे कि इसको हम इसमें लगाएंगे इस तरीके से। तो गैस हम इसको इसमें लगा देते हैं। गैस को हमने इतना अंदर लगा दिया है। गैस के साथ गैस को हमें इससे अधिक नहीं लगाना है। गैस के साथ हम ले लेंगे गैस टॉर्च का ये रिबन है। गैस ये इसमें नहीं था तो और गैस ये आपको हर एक कलर में मिल जाएगा रेड ब्लैक और गैस आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो गैस क्या करेंगे कि हम इसको पीछे साइड में यहाँ पे लगाएंगे होल करना पड़ेगा लेकिन गैस में पहले से ही होल है। तो गैस क्या करेंगे कि हम इसको इस तरीके से इसमें लगा देंगे तो गैस अच्छे तरीके से फंस जाएगा। तो गैस ये लग चुका है। गैस आप सुपर ग्लू की मदद से चिपका भी सकते हैं आप। तो गैस इसके साथ क्या करेंगे कि हम इसको और अंदर अब इसे लगा देंगे तो इस तरीके से धक्का दे करके और इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं इसको। गैस को हमने काफ़ी अच्छे से लगा दिया है और गैस यहाँ पे गैस देख सकते हैं गैस यहाँ पे स्क्रैच हो चुका है। गैस को भी यहाँ पे मेंटेन कर देंगे इसमें। तो गैस ये अच्छे तरीके से हो चुका है और गैस सेट भी हो चुका है और गैस ये नहीं निकलेगा और गैस आगे साइड में जो एलईडी है वो आके इसमें सेट हो चुकी है अच्छे तरीके से। तो गैस ये बन के कम्प्लीट हो चुका है और गैस पे कलर भी करने का कोई आवश्यकता नहीं है और गैस देख सकते हैं गैस साइड में यहाँ पे लिखा भी है तो गैस देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गैस आपके जो पाइप है गैस उस पर लिखा ना हो तो गैस उस पर आप लिख सकते हैं कंपास की मदद से या किसी भी चीज़ से स्क्रैच करके। तो गैस ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और गैस तो गैस ये काफ़ी कम्पैक्ट साइज़ का है। गैस ये आपके हाथ में भी आ जाएगा और गैस आप पॉकेट में भी रख के और कैश कैरी कर सकते हैं कहीं पर भी ले जा सकते हैं और गैस काफ़ी इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। तो गैस इसका बैटरी बैकअप काफ़ी ही अच्छा लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। तो गैस इसमें हमने 3.7 वोल्ट की बैटरी यूज की है। तो चले गए इसके हम ऐप टेस्टिंग कर लेते हैं। तो गैस इसके साथ हम ले लेंगे जो मोबाइल का चार्जर है गैस उसको हमने ले लिया है और गैस इससे ये चार्ज हो जाएगा। इसके साथ इसके पीछे में हम लगा देंगे। तो गैस हमने लगा दिया है और गैस इसमें रेड कलर की एलईडी जल रही है। गैस के साथ हम इसको जला करके देख लेंगे। तो गैस इसमें बैक साइड में पावर बटन है गैस को जला लेते हैं। तो गैस हमने क्लिक किया है और गैस काफ़ी तेज़ से जल रहा है और गैस यहाँ पे देख सकते हैं गैस काफ़ी तेज़ जल रहा है ये। तो गैस इसमें थ्री मोड है तीन मोड। तो गैस यहाँ पे दूसरे बार एक बार और क्लिक करेंगे तो गैस जो इसका लाइट है ये कम हो जाएगा आप देख सकते हैं। और गैस एक और जो मोड है इससे क्लिक करेंगे हम तो गैस ये ब्लिंक करने लगी लाइट है जो। तो गैस देख सकते हैं गैस अच्छे तरीके से ब्लिंक करने लगी मोड है। इस मोड से हमें फ़ायदा क्या होगा कि जो बैटरी है वो कम खर्च होगी। गैस आप चाहे तो इसको इस तरीके से ऑफ भी कर सकते हैं और गैस जो अब आपको ज़्यादा लाइट चाहिए तो गैस एक बार ऑन कीजिएगा गैस आपको काफ़ी तेज़ ब्राइटनेस मिलेगी। इसके साथ एक बार और हम इसे क्लिक करेंगे तो गैस जो लाइट है ये कम हो जाएगी यहाँ पे। तो गैस देख सकते हैं गैस लाइट कम हो चुकी है और गैस हमें ब्लिंक कराना है तो गैस एक बार हो और गैस इस तरीके से वर्क कर रही है। तो चलिए हम इसको गैस अंधेरे में और चेक करके और आपको दिखाते हैं। गैस हम आ चुके हैं अपने छत पे और गैस जो टॉर्च है गैस उसको ऑन करते हैं। तो गैस हमने ऑन कर दिया है और गैस इसका जो फ्लैश लाइट है गैस आप देख सकते हैं इस पेड़ के ऊपर यहाँ पे अच्छे तरीके से गैस देख सकते हैं गैस टॉर्च है गैस का फ्लैश लाइट काफ़ी ही ब्राइटनेस के साथ ये जल रहा है गैस जो टॉर्च है। और गैस के साथ एक और इसमें मोड है तो गैस इसे हम यहाँ पे ऑन करते हैं तो गैस जो लाइट है इसका फ्लैश काफ़ी ही कम हो जाएगा और गैस जो एक और इसका मोड है इससे ब्लिंक करने लगा जो टॉर्च है हमारा। तो गैस यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से तो गैस देख सकते हैं कि गैस ये ब्लिंक कर रहा है और गैस इसका लास्ट वाला मोड है गैस उसे ऑन करेंगे तो गैस जो ये टॉर्च है गैस ऑफ हो जाएगा। तो गैस आपने देखा कि गैस जो टॉर्च है गैस काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो गैस जी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और प्रेस सेट कर देना ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको उससे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ। तो नमस्कार बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।